ओके ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। कुछ रिएक्शंस हमारा रह गया है इसमें, देखो पहले अपना मुंह बंद करो तो यहाँ पे कुछ सिखाऊं मैं तुमको। देखो देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसका प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, वहाँ पे सिर्फ मोनोमर है और डायरेक्ट पॉलीमर दे दिया, बराबर। तो उसको कैसे बनता है वो देखो जरा, ध्यान दो। सबसे पहले बनाते हैं अक्राइलिक ग्लास, ध्यान दो सब लोग, टेक्स्ट बुक सबके सामने रहेगा ना, हाँ। पेज नंबर 336 निकाला, बुक निकालो, आज ही करना है, आज ही सिखाना है। पेज नंबर 336 अक्राइलिक ग्लास, इसका एक और नाम वहां पे दिया, देखो हाँ परस्पेक्स, बराबर। ये भी ऐसा है, तो जरा चेक करो वहां पे मोनोमर क्या यूज होता है, मिथाइल, बराबर, मिथाइल मिथ अक्राइलेट, बराबर। ये मोनोमर यूज होता है। देखो पॉलीमर बनाने के लिए तुमको मोनोमर याद रहना बहुत जरूरी है, अगर तुमको मोनोमर याद नहीं है तो पॉलीमर नहीं बन सकता है, बराबर। तो क्या मोनोमर यूज करने वाले, जरा नाम बताओ, क्या बोले तुमने, मिथाइल मिथ अक्राइलेट ना। अब देखो मिथाइल मिथ अक्राइलेट क्या है ये जरा यहाँ पे ध्यान दो, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता है तुम्हारे टेस्ट में, उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया, देखो देखो ये है वो, हाँ देखो चेक करो प्रॉपर कार्बन का प्रॉपर बॉन्डिंग है क्या, देखो जरा कार्बन का चार बॉन्ड है, बराबर चेक करो, इधर चार है इधर चार, बरा प्रॉपर है ना। इसका नाम है मिथाइल, बरा मिथाइल मिथ अक्राइलेट, बराबर। क्या नाम है इसका, मिथाइल मिथ अक्राइलेट, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया है, बरा लिख देते हैं यहाँ पे मिथाइल मिथ अक्राइलेट। तुम लोग भी साथ बनाओ इसको, क्योंकि बिना रिएक्शन किए तुमको नहीं समझ में आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर। मिथाइल मिथ अक्राइलेट, ओके। अब इसका बताओ, ये मोनोमर है ना तुम्हारे लिए, ये मोनोमर जैसे काम कर रहा है, इससे क्या करना है बताओ, क्या बनाने का हमको, पॉलीमर। तो इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं, चलो जैसे ही पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किया क्या होता है बताओ, पहले पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में होता क्या है बताओ, बॉन्ड ब्रेक होएगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है बताओ, डबल बॉन्ड ब्रेक होने का चांस रहता है। तो हाँ एन मॉलिक्यूल यूज करेंगे क्योंकि हम लोग पॉलीमर बना रहे हैं, तो ये वाला समझो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, देख रहे दोनों में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब जब वहां पे दो में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बराबर, तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो दो में से एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन को मिलेगा। तो देखो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो बॉन्ड बनाने का ट्राई करता है, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है तो पीछे बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा, मतलब CH2 ऐसा ना, पीछे एक बॉन्ड बनेगा। अब बताओ डबल बॉन्ड रहे कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सी है और CH3 ऊपर है और आगे क्या है देख बताओ, ये कार्बन के पास भी क्या आएगा बताओ, ये कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन का मतलब वो आगे बॉन्ड बना सकते हैं, ये कार्बन पीछे बॉन्ड बनाएगा और ये वाला कार्बन क्या करेगा आगे, अगर इसको आगे बॉन्ड बनाना है तो इसका मतलब आगे तुम लोग कुछ नहीं बना सकते, पीछे ऊपर देखो ऊपर भी कुछ नहीं बना, लेकिन नीचे जगह है ना, और ये कार्बन आगे भी किससे तो अटैच है, वो भी लिखना पड़ेगा, तुम बताओ किससे अटैच है, COOCH3 ना, अरे COOCH3 से अटैच है, बराबर समझ में आ रहा है, बन गया पॉलीमर बराबर ना, अरे समझा रहेगा, इतना भी हार्ड नहीं है, समझा, डबल बॉन्ड ब्रेक करो बस और क्या है, समझा। तो ये जो बना है इसी का नाम क्या है, अक्राइलिक ग्लास, क्या बोलेंगे उसको, अक्राइलिक ग्लास, सिंपल सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, अक्राइलिक। देखो सबका यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सबका एक तुम्हारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर दिया नहीं प्रॉपर, तो देखेंगे समझाए फर्स्ट तुमको क्या है, तुम लोग बना रहे ना साथ में, समझ रहे कैसे बनाया रहेगा, बराबर। सेकंड बनाते हैं, सेकंड पढ़ो क्या है, ब्यूना एन, कल तुमको सिखाया था मैंने ब्यूना एस, याद है, वैसे ही ब्यूना एन है, ब्यूना एस के लिए बोलो क्या क्या लग रहा था, ब्यूना एस पढ़ाया था ना मैं तुमको, 1,3 ब्यूटाडाइन लगता है और क्या लगता है, ब्यूना एस स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टायरीन और ब्यूटाडाइन लगता है ना उसमें, हाँ। तो वैसे सेम यहाँ पे एक ब्यूटाडाइन तो लगने वाला है, बराबर, तुमको बनाना है ब्यूना एन, इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा दो दो मोनोमर, दो अलग अलग टाइप का मोनोमर यूज करेंगे, एक तो है ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन मालूम है क्या होता है, चार कार्बन, बराबर ना,
कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आता है? फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे आता है डबल बॉन्ड भरा, बाकी सब हाइड्रोजन रहेगा। H2 यहाँ पे, H2 यहाँ पे एक H आएगा, इधर आएगा एक H, बरा ऐसा ही रहता है। क्या नाम बताओ इसको, क्या बोलेंगे? 1,3-butyl या फिर ब्यूट 1,3-dien। किधर? अरे क्या बना रहे, ब्यूनाएन, इसमें ब्यूटाडाइन लगता है, बरा बता दे रहा हूँ, बरा 1,3-butadiene ना, ये लगेगा एक, एक और लगता है, बताओ दूसरा क्या था यहाँ पे? हाँ वो स्टायरिन वहाँ लग रहा था ना, अरे ब्यूना एस में लगता है, ब्यूना एस में स्टायरिन और ब्यूटाडाइन लगता है, तभी उसको नाम है ना स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर। ये पढ़ रहे हम लोग ब्यूना एन, ब्यूना एन में लगेगा एक 1,3-butadiene, और दूसरा मॉलिक्यूल है अक्राइलोनाइट्राइल। याद है अक्राइलोनाइट्राइल का दूसरा नाम क्या होता है? विनाइल साइनाइड, तो विनाइल साइनाइड बनाएंगे। विनाइल वाले में क्या होता है? C2 ना, C2H3, और यहाँ पे आएगा साइनाइड, बराबर, और बाकी हाइड्रोजन भर दो यहाँ पे H2, इधर H की H2 H2 आएगा तो बनेगा क्या विनाइल? तुमको विनाइल बनाने का है, डबल बॉन्ड डालू, अब राइट है, चेक कर लो, तीन बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे चेक करो विनाइल साइनाइड है ना, बराबर, हाँ विनाइल साइनाइड यूज करना पड़ता है। ये तुम लोग साथ में ना, हाँ इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। चलो अगर मैंने इसका पॉलीमराइजेशन किया, बताओ क्या बनने का चांस रहेगा, कैसे होगा बताओ यहाँ पे रिएक्शन? मेन सबसे मेन पॉलीमराइजेशन में करते क्या हम लोग, डबल बॉन्ड ब्रेक करते ना। चलो तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, समझो यहाँ का ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, बराबर, ये भी तो है ना, इधर भी ब्रेक होएगा ऐसा, बराबर, ये सब बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया। अगर ऐसा बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, एक इसके पास है, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, बराबर है, ऐसा ही है ना, अरे ये आता कि नहीं समझ में, समझ में आता है ना? सेम अगर ये वाला डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बताओ दो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आएगा? एक CH2 पे आएगा और दूसरा कहाँ पे आएगा? CH पे आएगा, बराबर है ना, समझ में आ रहा है? चलो अब इसका प्रॉपर बनाते हैं, याद है तुमको बताया था ये ब्यूटाडाइन में जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो CH के बीच में डबल बॉन्ड आता है ना, ये किया है हम लोगों ने, बराबर, तो पहले इसको लिखेंगे, इसको ध्यान दो, ये विनाइल साइनाइड को, तो मेरे पास यहाँ पे है CH2, ये दिखाई दे रहा है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड में क्या है CH, और इसके पास एक साइनाइड है जिसको मैं ऊपर बनाता है, बराबर, ऐसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई चीज आगे बॉन्ड बना सकता है, कोई पीछे बना सकता है, ये CH के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये आगे बॉन्ड बनाएगा, बराबर, ये CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पीछे बॉन्ड बनाएगा, पीछे किससे बनाएगा? इससे बनाएगा, ब्यूटाडाइन जो बचा है तुम्हारे पास, इसमें क्या है, इसमें ये CH2 के साथ बॉन्ड बनेगा, अरे इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली है ना, जैसे ये CH2 के पास, देखो ये वाला CH2 जो है तुम्हारे पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, देखो यहाँ पे है ना, इसके पास एक, देखो ग्रीन कलर से बनाया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये CH2 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड, बराबर, डबल कैसा, सिंगल आएगा ना, ये डबल में से एक टूट गया था तो एक सिंगल बॉन्ड भरा, फिर क्या है CH, सिंगल बॉन्ड में CH है लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, देखो तो दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड भी बन सकता ना एक्स्ट्रा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और पीछे बताओ यहाँ पे क्या है, CH2 है और एक खाली है ना ऐसा, बराबर, ये अगर मैं इसको एंड मॉलिक्यूल यूज करूँ तो यहाँ मिल गया तुमको पूरा पॉलीमर ना, समझा, ऐसा इजी रहता है रिएक्शन, कुछ हार्डवर्ड नहीं रहता है मैम। तो ये है ब्यूना एन, बराबर, उसका यूजेस वगैरह दिया है एप्लीकेशन टेक्स्ट बुक में, इसको जरा अच्छे से पढ़ो कहाँ कहाँ यूज करते हो उसका, समझो उसको कैसे बनाया ये, अरे बोलो समझा है, चेक भी कर लो तुम्हारे टेक्स्ट बुक से, इसी को बोलते हैं ब्यूना एन, ये है ब्यूना एन, बराबर, ब्यूना एस याद है ना, स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर, वैसे ब्यूना एन भी है, कर रहे ना साथ में, कर रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैं कर रहा अभी तुमको ट्रिक समझ में आ गया है, एक ही ट्रिक तो मैं लगाता है, बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, बस वही लॉजिक लगने वाला है। चलो नेक्स्ट बनाते हैं पीवीसी, पीवीसी मालूम है क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये देखते हैं ये कैसे बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, चलो इसके नाम में ही है, मोनोमर बताओ जरा क्या लगेगा यहाँ पे, विनाइल क्लोराइड कैसे तुमको बता रहे, एक जन आंसर देता है बाकी अपने मजे करते रहते हैं बस, कैसे मालूम पड़ता है तुमको मोनोमर क्या रहता है? पॉली वाला वर्ड हटा देने का तो बचा क्या, विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड तो ऊपर विनाइल साइनाइड यूज किया है, वैसे विनाइल क्लोराइड बना सकते हैं, बराबर, दो कार्बन रहेगा, क्लोराइड है इसके लिए सीएल अटैच, विनाइल है डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, बराबर, राइट है, चार राइट, विनाइल क्लोराइड ना, एन मॉलिक्यूल यूज करेंगे, क्या करेंगे बताओ इसका पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन करेंगे, और जो बनेगा
वो पीवीसी रहेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। मालूम है ना क्या होता है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड। ये देखो ये तुमको समझाने के लिए, ये डबल बॉन्ड ऐसा एग्जाम में तोड़ मत देना वहां पे, वो जस्ट समझाने के लिए तुमको कि क्या हो रहा है वहां पे। जैसे एक बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन है वो आगे पीछे बॉन्ड बनाने का ट्राई करता है। और इसके सामने कुछ नहीं रहना चाहिए ना, अरे तो बॉन्ड किसे बनाएगा? अगर सीएल लिख देंगे बॉन्ड के साथ बनाएगा, सीएल को ऊपर भेजो या तो नीचे भेजो, तो बताओ हमारे पास क्या बनेगा? CH2 जो पीछे बॉन्ड बना सकता है भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, बीच में सिंगल बॉन्ड है, आगे CH है, मैं ऊपर CL लिख को लिख देता हूं, ये CH के पास एक इलेक्ट्रॉन ही आगे बॉन्ड बना सकता है, तो ये बन गया तुम्हारा N टाइम्स, क्या बन गया? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, समझा? और ये था विनाइल क्लोराइड, समझा कैसे बना है PVC? बोलो, ट्राई करें ना, खुद से ही ट्राई करें ना, खाली मोनोमर देख लो, बॉन्ड ब्रेकिंग तो तुमको समझा ही दिया ना, बस एक ही लॉजिक तुम्हें हर जगह लगा रहा है, वैसे ही सिंपल है। चलो उसके बाद है पॉलीअक्राइलोअमाइड, पॉलीअक्राइलोअमाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पॉलीअक्राइलो अक्राइल, क्या अक्राइलो, पॉलीअक्राइलोअमाइड, हाँ पॉलीअक्राइलोअमाइड, अब नाम में ही है, पॉली हटा देंगे तो क्या बचा हमारे पास? अक्राइलामाइड, बरा अक्राइलामाइड यूज करना पड़ेगा। देखो अक्राइलामाइड होता क्या है वो तो देख लो, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, वैसे C के साथ यहाँ पे एक H भी आएगा, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O NH2, ये है अक्राइलामाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, बरा ये है अक्राइलामाइड। चलो इससे बनाने आएगा तुमको, बना सकते ना इससे पॉलीमर। चलो ये खुद से करो, जरा देखते हैं तुमको आता है क्या, इसका पॉलीमराइजेशन करो, इसका पॉलीमराइजेशन करो और देखो क्या बनता है, आएगा ना सबको क्या करने का है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, और डबल बॉन्ड जब ब्रेक होएगा तो इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है तुमको मालूम है, जिसको भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके आगे कुछ मत रखना, या तो उसको ऊपर भेज दो या तो नीचे भेज दो, ऐसा ऐसा मत लिखो, CONH2 लिखो तो भी चल जाता है बरा। देखो क्या आता है, देखो हाँ बना के रखो, बताता हूँ मैं, देखो मैं बनाऊंगा उससे मैच होना चाहिए, करो तुम लोग करो, फिर देखो तुम्हारा आंसर वैसे मैच होता है क्या, पहले करके रखो इसका, इसका पॉलीमराइजेशन करके रखो जल्दी, सब लोग फटाफट कर दिया, जल्दी करो फटाफट, इसका पॉलीमराइजेशन करो, बॉन्ड ब्रेक करो, देखो क्या बनता है, फिर मैं जो बनाता हूँ देखो उससे मैच होता है क्या तुम्हारा, हो गया? चलो ये देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, देखो तुम्हारा आंसर मैच, जैसे तो तुमने यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक किया रहेगा, अब मैं उधर करते नहीं समझ जाओ, जैसे यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होएगा दो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ये कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो बॉन्ड कहाँ बनाएगा? पीछे, बरा तो ये पीछे बॉन्ड बनाएगा CH2 ना, ये CH2 यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन ये CH के पास अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया जो आगे बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा, इसको आगे नहीं बना सकता हूँ, या तो ऊपर या तो नीचे, मैं ऊपर बनाता हूँ, बरा तुम लोग कहीं बना सकते हैं, CONH2, समझा? ये ऐसा कट होना चाहिए, बरा डबल नहीं आएगा ना, डबल टूट गया ना, ये कट होना चाहिए, देखो ऐसा, और यहाँ पे ये एन टाइम्स बन गया पॉलीमर, किसका? पॉलीअक्राइलामाइड, समझा ना कैसा है? पॉलीअक्राइलामाइड, समझा कैसे किया है? चलो दूसरा करते हैं इसके बाद, बोलो पहले समझाए क्या तुमको ये? चलो इसे ऐसा एक और करा देता हूँ, थोड़ा एक इजी वाला बता देता हूँ, वो तुम लोग जैसे ये किया ना वैसा एक और करके दिखाओ। नेक्स्ट डे बनाएंगे हम लोग थर्मोकॉल, क्वेश्चन नंबर 5, थर्मोकॉल, थर्मोकॉल बनाने के लिए लगता है स्टायरीन, स्टायरीन कल दिखाया अपने, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, बेंजीन आता है, फिर क्या आता है? CH और डबल बॉन्ड CH2, स्टायरीन बनाया था ना स्टायरीन, देखो बना के दिखाता हूँ, मैं मोनोमर बता देता हूँ फिर तुम लोग उसका पॉलीमराइजेशन करो, देखो क्या आता है, ये है तुम्हारा मोनोमर, बेंजीन रहता है, फिर C रहता है, डबल बॉन्ड C रहता है, बरा तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, चलो इसका पॉलीमराइजेशन करो और बताओ क्या बनेगा, बताओ इसको तुम लोग, हाँ रिंग रहेगा, ये सिर्फ डबल बॉन्ड तोड़ना और कुछ मत करना, ये ना ये ग्रुप को अगर तुम लोग यहाँ ऊपर बनाएंगे तो भी ठीक रहेगा, ये दिख रहा है, ये ग्रुप को यहाँ भेज देंगे तो भी ठीक रहेगा, तुम्हारे टर्म वैसे ही दिया है, चलो बता ही देता हूँ कैसे होगा, देखो तो ये बेंजीन का रिंग, ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये बेंजीन का रिंग, ये उन्होंने यहाँ पे दे दिया, ये ज़्यादा बेटर रहता है बनाने के लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो बताओ क्या, कौन सा डबल बॉन्ड टूट गया था ना, डबल बॉन्ड टूटने की वजह से ये CH के पास एक इलेक्ट्रॉन आया था जो पीछे बॉन्ड बनाएगा, और ये CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो कहाँ बॉन्ड बनाएगा? आगे, ये N टाइम्स क्योंकि मैंने यूज किया है तो ये बॉन्ड ऐसा कट होके दिखना चाहिए, कितनी बार?
एंड टाइम बल गया, क्या क्या बनेंगे बताओ? थर्मोकॉल बरा, हाँ कर सकते हैं, कैसा ये फिर चलेगा? ऐसा चलता कोई प्रॉब्लम नहीं, सर दिया है तुम लोग यहाँ बना सकते हो, इधर इधर ही बना सकते हो बरा, तुम लोग यहाँ पे भी कर सकते हो, इधर इधर भी कर सकते हो, ऐसा तुम्हारी मर्जी कैसे भी करो बरा। ये तुम बोल रहे ऐसा कैसे हो गया, चाहिए तो वैसा कर लो, उसमें क्या है, जैसा था पहले वैसा भी करेंगे तो भी क्या प्रॉब्लम है? हाँ सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू आगे जाएगा ऐसा, ये बनाने में खाली थोड़ा प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं, इसके लिए ऐसा बना दिया वहाँ पे, ये दिख रहा है ऐसा कट हो जाता है ना यहाँ पे एन टाइम्स, ठीक है ये भी चलेगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें भी बरा? समझा कैसे बनाया? स्टायरीन और पॉलीमराइजेशन, समझा? सब लोग कर रहे क्या बराबर से? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? और खुद से ही तो कर रहे हैं, मैं तो जस्ट खाली तुम्हारा चेक कर रहा हूं आंसर कैसे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट आएगा, वो बना के दिखाएंगे। चलो देखते थोड़ा एक डिफिकल्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, क्वेश्चन नंबर 6, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, यूरिया फॉर, मैं तुमको एटलीस्ट मोनोमर बना के दिखा देता हूँ, देखते फिर तुम लोग बना पाते हो कि नहीं बरा। हाँ एक ही बात है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर रेसिन की बात है, चले ये लास्ट टाइम इसको पॉलीमर बोला था, इस बार रेसिन दे दिया, ठीक है एक ही बात है बरा। चलो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड बना के दिखा देता हूँ मोनोमर, फिर उसकी सब तुम लोग सोचो कैसा बॉन्ड बनेगा। देखो यूरिया मतलब किया ना अपने केमिस्ट्री वन में NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये होता है यूरिया, ये एन टाइम यूज करेंगे यूरिया है बरा। प्लस क्या करना पड़ेगा तुमको? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO बरा, ऐसे या तो प्रॉपर बनाएंगे तो भी चलेगा, ये भी ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड। चलो दोनों को ऐड करो और देखो क्या होता है, यहां से पॉलीमराइजेशन करेंगे, सोचो जरा क्या, डबल बॉन्ड तो वहां पे है ही नहीं तो क्या करेंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड जरूर है, हाँ प्लस है, पॉलीमराइजेशन हाँ कर सकते हो, वैसा वाटर निकालने का ट्राई करो, वाटर के लिए क्या करेंगे बताओ? क्या एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकालेंगे, दो मॉलिक्यूल मिलके वाटर निकलेगा? दो, एक से कभी कुछ नहीं होता है। तो ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट में कि सेकंड में? फर्स्ट से निकालो ज्यादा हाइड्रोजन, NH2 से एक निकाल लो हाइड्रोजन, NH2 से एक है, क्यों इधर से क्यों निकाल रहे हैं और किधर से क्यों? अरे ये पीछे बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ से कुछ निकलना चाहिए ना, ऑब्वियस रीजन है, यहाँ से एक H निकाल दिया तो बोलो क्या बचा फिर तुम्हारे पास? NH, एक H निकाला तो एक बॉन्ड खाली हो गया अभी जो पीछे बॉन्ड बनाएगा, और उसको हम लोग कट करेंगे वहां से, एक एच इधर से गया और एक एच कहां से निकालो? एक पीछे से निकालो तो एक आगे, ये दोनों को ज्वाइंट करने के लिए कुछ तो ज्वाइन करेंगे ना, वहां पे इधर से भी एच निकालो तो बोलो फिर से यहाँ क्या बनाया? सी डबल बॉन्ड हो NH बरा, अब ये आगे बॉन्ड बना सकता है, आगे बॉन्ड इसके साथ तब बनाएगा जब यहां से भी कुछ तो निकलेगा, ओ निकालो, दो एच निकाला यहां से ओ निकाल लो बरा, बरा यहां से ओ निकाल दो, बचा क्या बताओ? CH2 बराबर है, ये हो गया बन गया पॉलीमर, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, प्लस एच टू या फिर माइनस एच टू यहाँ पे लिख दो, माइनस में एन एच टू, क्यों? अरे दोनों ज्वाइन होके बनाएंगे ना अभी आगे, ऊपर थोड़ी आएगा, समझा कैसे बनाया? अरे कंफ्यूज है, इजी था ना ये तो, इजी थे बरा, बना दो जल्दी, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड चेक कर लो, ऐसे बनाया क्या यहाँ पे? NHC डबल बॉन्ड हो NHCH2 बराबर है, राइट है, समझा कैसे बना? इसको बोलते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या फिर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, रेजिन बरा, यूरिया, समझा सबको कितना है? चलो एक लास्ट कर लेते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जरा सोचो देखते बन पाया है क्या, लेकिन अब मैं मोनोमर नहीं देता, मैं तुमको सिर्फ मोनोमर का नाम देता है क्योंकि कल मोनोमर सिखाया है बरा, सबको थोड़ा बहुत तुमको याद है। अब बनाएंगे ग्लिप्टल, GLY पीट, देखो सिर्फ इतना नहीं है, ये तो मैं रिएक्शन करके दिखा रहा है, बाजू में उसका यूजेस भी है, वो भी तुमको आना चाहिए, वो तुम्हारा काम है पढ़ने का बरा। चलो तो ग्लिप्टल बनता है इथिलीन ग्लाइकोल से, ग्लाइकोल याद है, ग्लाइकोल में कितना OH ग्रुप? दो रहता है, इथिलीन मतलब दो बार CH2 आएगा, CH2 CH2 OH और OH, ये क्या हो गया बताओ, क्या बना दिया मैंने? इथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल,
ये इथिलीन ग्लाइकोल है। एक और चीज लगता है यहाँ पे, वो है थैलिक एसिड। कल याद है कल थैलिक एसिड आया था, टेरेप्थैलिक एसिड आया था, ठीक है। तो याद है टेरेप्थैलिक एसिड क्या कैसा था, COH और COH पैरा पोजीशन ना, पैरा पोजीशन पे था ना, COH COH दो ग्रुप है ना हमारे पास, टेरेप्थैलिक एसिड COOH COOH। क्या सर ये उसको बेंजीन को बेंड कर देते हैं? हाँ वो तो मालूम है, वो तो मालूम मालूम है। इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ कैसे, यहाँ पे तुमको दिया नहीं मॉलिक्यूल, डायरेक्ट आंसर दिया है, वही मैं उधर कैसे देख रहे हैं। CH2 दो बार यहाँ पे है, OH भी है, देखो क्या है यहाँ पे यूज करेंगे थैलिक एसिड। थैलिक एसिड बनाता हूँ इजिली, इतना भी हार्ड नहीं। ए साइंटिस्ट लोग थोड़ा मुंह बंद रखो, थैलिक एसिड ध्यान दो। थैलिक एसिड कल जैसा ही है, जैसे थैलिक एसिड था वैसे ही सेम। कैसा रहता है थैलिक एसिड जरा ध्यान दो, देखो खाली वो पोजीशन में चेंज आएगा बस, और बाकी वो दोनों सेम सेम था। याद है बेंजीन रिंग बेंड हुआ, बेंजीन रिंग याद है। यहाँ पे जो एसिडिक ग्रुप अटैच्ड है वो यहाँ पे COOH और एक इधर है COOH। अब जरा सोचो क्या बनेगा उसके हिसाब से बताओ। कल ऐसा किया भी अपन ने, कल इससे किया है, वाटर निकाला था, जरा सोचो वाटर कैसे निकलेगा। याद है ये OHCH निकालो, तुमको हिंट दे सकता मैं यहाँ पे, ये OHCH निकालो ये वाले पार्ट से, बराबर इधर से एक H निकालो और देखो कैसे कैसे जॉइंट होएगा वो देखो। अगर यहाँ से H निकाल रहे हैं तो उधर से क्या निकाल देंगे, क्योंकि ये भी पोजिशन खाली होना चाहिए, ये भी पोजिशन खाली होना चाहिए ना। अरे ये दो इधर से, याद है इधर निकाला फिर इधर से निकाला था, तो इधर भी खाली करना पड़ेगा, इधर भी कुछ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ तीन जगह खाली होगा, तीन जगह से कुछ ना कुछ तुमको निकालना पड़ेगा, तो जाके होने वाला है। वाटर निकालना है, अब वो कैसे निकलेगा वो देखो, क्योंकि इधर आगे कौन बॉन्ड बनाएगा, ओ बना सकता है, तो चलो मैं यहाँ से एच निकाल देता, इधर से एक एच निकाल लो, क्या बचा हमारे पास, ओ ना, जो पीछे बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी इसके पास, फिर CH2 है, यहाँ से ओ निकाल, सॉरी क्या निकाला अपने, एच, उधर से निकाल देते OH निकाल दे, यहाँ से OH निकाल देते है ना, इधर से H निकाला यहाँ से OH, तो एक H2 हो गया ना, वैसे बहुत सारा जाएगा क्योंकि N यूज़ किया ना अपन ने, पर ये भी N टाइम इसको भी यूज़ करते हैं। ये खाली हो गया बॉन्ड, अरे खाली हो गया ना अभी दोनों साइड से, ये चीज़ को इधर अटैच करना है ना, बराबर ना, तो जब ये चीज़ को यहाँ पे अटैच कर, ये चीज़ को यहाँ पे अटैच करना है, तो इसका कोई तो एक एंड फ्री करना पड़ेगा, कौन सा, इधर इधर से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं। चलो अगर मैंने यहाँ से कुछ हटाया, ध्यान दे रहे हैं क्या, एक बार बताओ क्या एक ही एंड फ्री करेंगे, दोनों एंड फ्री करेंगे, क्यों मालूम है, ये चीज यहाँ पे आएगा इतना तो कंफर्म है, इसको अटैच होना ही यहाँ पे, बराबर इसको यहाँ पे अटैच होना ही है, इधर अटैच होना ही है, तो पीछे भी बनना चाहिए और आगे ऐसा कट भी तो होना चाहिए ना। अरे पॉलीमर तब बनेगा जब वो ऐसा एंड टाइम्स में आएगा ना वहाँ पे कट होके, तो दोनों साइड फ्री करेंगे, वाटर निकालेंगे, जरा सोचो वाटर कहाँ से निकालूं बताओ, इधर से कुछ, इधर से फ्री होना चाहिए ना, OH निकाल लो और यहाँ से H, तो देखो कैसा बॉन्डेगा, यहाँ पे बचेगा COO ना, अरे एच निकला ना CO, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में हमारे पास ऐसा कुछ रहेगा, और इधर से क्या निकाला तुमने, OH निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा CO, CO मतलब समझ लो C डबल बॉन्ड हो, समझा ऐसा। अब बाकी बात बना दो बेंजीन, खत्म, बराबर ना, देख लो प्रॉपर एंड टाइम्स ना, दोनों एंड टाइम्स है, ये भी एंड टाइम्स है, ये क्या बन गया बताओ, क्या बना दिया अपन ने, क्या बना रहे थे, ग्लिप्टल, बराबर चेक कर लो एक बार टेस्ट बुक में, वैसे ही रहेगा बाकी, बराबर OCH2 से, वैसे क्यों, क्योंकि ये मोनोमर तुम्हारे टेस्ट बुक में नहीं दिया है, वो मैंने यहाँ से देख के बनाया मोनोमर क्या रहेगा वहाँ पे ऐसा, बराबर तो OCH2 सी डबल बॉन्ड हो, फिर वो बेंजीन वाला पार्ट है CO, राइट राइट है, बराबर समझा कैसे किया है। एक पॉलीकार्बोनेट है, उसका रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे, याद है पॉलीकार्बोनेट एक टाइप का बोलो क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट किसका टाइप है, किसका एग्जाम्पल है, याद ही नहीं है कैसे, क्या करेंगे कैसा एग्जाम देंगे तुम लोग, पॉलीस्टर का एग्जाम्पल है वो, याद ही नहीं, कल पढ़ा याद नहीं, एक साल पढ़े पढ़ा कहाँ याद रहेगा तुमको, भारी अच्छा है तुम्हारा तो। एक और वो देख रहे, दिख रहे तुम्हारे इसमें सब क्या क्या पढ़ रहे तुम लोग कैसा कर रहे हो। एक और है पॉलीकार्बोनेट, इसका कोई रिएक्शन वगैरह हमारे पास नहीं है,
वैसे किसका भी नहीं था वहाँ पे, वो तो मैंने बना दिया बराबर। पॉलीकार्बोनेट का एक सिंपल सा यहाँ पे दिया है, डायरेक्ट उसका पॉलीमर दे दिया है, तो डायरेक्ट पॉलीमर याद रखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ फिर ये ऐसा ग्रुप है यहाँ पे। ये भी हार्ड नहीं, इसका मोनोमर ढूंढो अपने आप बन जाएगा। ये भी बिस्फिनॉल और फॉस्फेट दिया है, फॉस्जीन दिया है बराबर, उससे बनता है। वैसे इसका रिएक्शन दिया है, वैसे रिएक्शन का चांसेस तो है नहीं, लेकिन ये दिख रहा है इसका तो नहीं बोल सकते, बाकी ये सब का तो है, ये सब बना सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है समझा। ये तो दिया ही नहीं समझो, बहुत बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इतना तो ऐसा आएगा नहीं। वैसे फिर भी हमारे सिलेबस में इतना दिया, इतना बता दिया, ये देख लो एन मॉलिक्यूल से उसका बराबर। देख लो तो यहाँ पे तुम्हारे पॉलीमर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये सब रिएक्शन करो, थोड़ा अच्छे अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो इसका तो हो जाएगा।